अयोध्या में आज श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ। इसको लेकर पूरे भागलपुर में भक्तिमय माहौल रहा। पूरा देश श्री राममय हो गया। इसी बाबत आज भागलपुर में भी हर मंदिरों को सजाया गया। भजन कीर्तन हुए, कहीं भंडारे तो कहीं झांकियां निकाली गई। इस दौरान भागलपुर की बूढ़ानाथ मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महाबली अद्भुत बजरंगबली ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव पर खूब झूमते दिखे। इसके साथ सैकड़ों श्रद्धालु भी जमकर भक्ति गीतों पर जयकारे लगाते दिखे। कहीं रामलला के जयकारों के साथ झांकियां निकाली गई तो भव्य भंडारा का आयोजन किया गया। आज जहां पूरा देश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी से झूम रहा है, वहीं भागलपुर में कान्हा जी के भी भक्त सड़कों पर नजर आए, जो अपने हाथ में बाल गोपाल कान्हा को लेकर मंदिर के दर्शन कराने के लिए पहुंची थी। भक्त सालनी सिंह ने कहा कि जिस तरह हम लोगों में खुशी है और हम लोग किस तरह खुश है, यह दिखाने के लिए अपने साथ लड्डू गोपाल को भी लेकर आई है। आज तो बहुत ही ज्यादा खुश है और आज श्री राम जी का पूर्णतः हमारे हिंदुस्तान में आगमन हुआ है, ठीक है, और श्री राम जी के आराध्य हमारे शिव जी हैं, इस वजह से हम अपने लड्डू गोपाल को यहाँ पे लाए हैं शिव जी का दर्शन करवाने। हाँ जी, पूजा कर लिए और शाम में इनको फिर से लाएंगे भजन कीर्तन में श्री राम का रूप देकर। प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर पूरे देश का वातावरण भक्तिमय रहा। लोग अपने अपने स्तर से प्रभु श्री राम के स्वागत में जुटे रहे। कोई लड्डू बांट रहा था तो कोई भोग लगा रहा था। वहीं भागलपुर के आदमपुर में मिट्ठू चाय वाले ने प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर निशुल्क राम की चाय का वितरण आज सुबह से ही प्रारंभ कर दिया। उत्साहित मिट्ठू चाय वाले और स्थानीय लोग प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। भगवान श्री राम का जन्म जो है अति है स्थापना दिवस है, उसके खुशी में मैंने चाय का प्रोग्राम रखा है आप सभी का आशीर्वाद से। दीदी बहुत उत्साह, जिंदगी में ऐसा उत्साह कभी नहीं आया थी जितनी इस बार आई है। एकदम फ्री सर, आप लोग का आशीर्वाद है मेरे साथ में। हर घर पे राम का और हनुमान जी का पताका लड़ा रहा है। आज ये भावना इनके पिंगू जी का है कि ये अपने चाय दुकान पे निःशुल्क चाय राम जी के चाय के नाम से आज ये सबको वितरण कर रहे हैं प्रसाद के तौर पे। ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में सारे जो भी जितने अपनी तरफ से योगदान दे सकते हैं श्री राम के नाम पे, वो देने का उत्साह अपनी दिखाने के लिए प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं और हम लोग सभी उत्साहित हैं। हिंदू में जी ने अपनी चाय की दुकान पर अपने प्रेम और मिठास लिए और भगवान श्री राम की मिठास लिए, उनके प्रति श्रद्धा का भाव लेकर आज पूरे दिन यह निःशुल्क यहाँ पर चाय का वितरण कर रहे हैं और ऐसा ही भाव संपूर्ण देशवासियों के मन में है कि आज श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और पूरा देश जो है राममय हो चुका है और मिट्ठू जी के तरह कई ऐसे लोग हैं जो अपनी श्रद्धा भाव से लोगों की सेवा और एक मर्यादा स्थापित करने में लगे हैं। और बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। एक तरफ जहां पूरा देश श्री राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के अवसर पर भक्ति के माहौल में डूबा रहा, वहीं भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में सिखाए जाने वाले स्केटिंग कोचिंग सेंटर के द्वारा भी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विशेष आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोच अंकित और ईशु के नेतृत्व में लगभग 30 बच्चों ने स्केटिंग पहनकर और हाथों में राम जी का ध्वज लेकर सैंडिस कंपाउंड से एक रैली निकाली। इस दौरान सभी बच्चे जय श्री राम के नारे लगाते रहे। रैली सैंडिस कंपाउंड से निकलकर सैंडिस कंपाउंड के आसपास के क्षेत्र से होते हुए वापस सैंडिस कंपाउंड पहुंची। बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी रैली में मौजूद रहे। रुकेगा।
जैसा कि पता है कि आज 22 जनवरी है और 500 साल बाद भगवान श्री राम अयोध्या में जो उनका मंदिर बनकर पूरा हुआ, उसी के उपलक्ष्य में आज सभी बच्चों के साथ हमने भागलपुर में रैली निकाला और लगभग 20 से 30 बच्चे थे, साथ में उनके पेरेंट्स भी थे जो बहुत ही सहयोग दिए और सभी लोगों ने भी बहुत उल्लास के साथ जय श्री राम का नारा लगाया। सबसे पहले आप सभी लोगों को जय श्री राम। और सवाल ये है कि कैसा लगा? महसूस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ और जहाँ पर भी हम लोग जा रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लोगों की तरफ से एक जो रिस्पांस था वो मिल रहा था हम लोगों को, साथ ही साथ प्रशासन का भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला हम लोगों को। तो इसके लिए उन सभी लोगों को जो हमारे साथ जुड़े, तो उन सभी लोगों को धन्यवाद। प्रतिष्ठा के दिन गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाने वाली एक तस्वीर सामने आई, जब भागलपुर के गोलाघाट में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई, तो सराय किला घाट में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा पर पुष्प की वर्षा कर और राम के भक्तों को माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान एक और जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने यह कहा कि उन्हें प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी काफी खुशी है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा स्वागत किए जाने से उत्साहित राम भक्तों ने देश के प्रधानमंत्री से को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग की। जब हम लोग यहाँ से कलश शोभा यात्रा लेके निकले तो महादेव सिंह कॉलेज स्थित मोहर्रम का मेला मैदान है इमामबाड़ा, वहाँ काफी उत्साहित होकर के वहाँ के लोगों ने सदर सेक्रेटरी महिला बच्चे सब काफी उत्साहित होकर के हम लोग हमारा माता बहन का हमारा जुलूस का भव्य स्वागत किया है और ये बहुत बड़ा संदेश दिया। गंगा जमुना का जो तहजीब हम लोग कहते हैं, ये नया भारत का, नया हिंदुस्तान का, ये हम लोग को बहुत खुशी का बात है और आशा करते कि ऐसे ही राममय पूरा विश्व हो रहा है और हम लोग सुख शांति के संदेश के साथ हम लोग इसको संपन्न करें। हम लोग बहुत आगे प्रतीक्षा में थे, आज वो घड़ी आ गया है। जय श्री राम, जय श्री राम। जो हम लोग सभी लोग ने 500 वर्ष तक नहीं किया, आज वो घड़ी हम लोग को देखने का सौभाग्य मिला है। पूरे देशवासियों का पिछले 500 वर्षों का सपना आज पूरा हो गया। भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए। इसकी खुशी पूरे देश के साथ भागलपुर में भी मनाई जा रही है। भागलपुर के विभिन्न मंदिरों में आज से 24 घंटे का अष्टयाम संकीर्तन तो किसी मंदिर में रामायण पाठ किया जा रहा है। कचहरी चौक स्थित बजरंगबली मंदिर में सत्कार क्लब के द्वारा आज से 24 घंटे का सीताराम का जाप शुरू हो गया, जिसका समापन कल शाम में होगा और आज शाम में 5100 दीपों से दीपावली मनाई गई। इसके साथ ही क्लब के द्वारा आतिशबाजी भी किया गया। इसको लेकर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। इस मौके पर हमारे क्लब के द्वारा सीताराम का पाठ, 5100 दीपों से दीपावली और आतिशबाजी किया गया। आज के कार्यक्रम में राकेश शर्मा, बब्बू, संतोष मुखर्जी, बालकृष्ण आचार्य, राजकुमार सहित सत्कार क्लब के सदस्य मौजूद थे। बहुत खुश है रामचंद्र जी, बहुत दिनों के बाद अपने घर वापस आए हैं। आज इस खुशी में सावा मन बुनिया सेव का भोग लगाया जा रहा है कचहरी चौक सत्कार क्लब के द्वारा और कम से कम 8000 दिया शुद्ध सरसों तेल में जलाया जा रहा है। आज ये उमंग का बात है और आतिशबाजी अभी कुछ क्षणों में होने जा रहा है सत्कार क्लब कचहरी चौक पे। आज उमंग का दिन है और हम लोग बहुत खुशी हैं, बहुत हर्षोल्लास के साथ आज राम का जो वापस हुए हैं उनके खुशी में आज दीप उत्सव और पटाखाबाजी किया जाएगा। जय श्री राम। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा भागलपुर में भक्तिमय माहौल बना रहा। वहीं देर शाम मिर्जान हाट में भव्य भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के हजारों लोगों ने भंडारा में प्रसाद खाने का सौभाग्य प्राप्त किया। वहीं इस भंडारे को सफल बनाने में पंडित मनोज झा, सानू, विजय शाह, सनी सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरा देश खुशियों से झूम रहा है। इस उपलक्ष्य में शिशु रोग विशेषज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने अपने भवन के सामने 24 फीट की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आकर्षक तस्वीर लगाई और यह तस्वीर आकर्षण का केंद्र बना रहा। इसे देखने आसपास के लोग भी आ रहे थे और सभी टकटकी निगाहों से देख कर गुजर रहे थे। इसके साथ ही भगवान राम और माता सबरी का नाट रूपांतरण भी किया गया, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह राम जी वनवास से आते हैं और सबरी इंतजार करती है और माता सबरी अपने हाथों से बैर खिलाती है। अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भागलपुर में यानी अंग प्रदेश में भी पूरी तरह से लोग खुशहाली में और हर्षोल्लास में डूबे हुए हैं।
रंग अबीर गुलाल लगा करके भी लोग खुशियां मना रहे हैं। आइए सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं कि कितने खुश हैं ये लोग अब रामलला विराजमान हो चुके हैं, बताइए। पूरा भागलपुर ही नहीं, पूरा देश और विदेशों में भी खुशियां मनाई जा रही है। जो इतिहास में जो कुछ गलत हो गया था, हमारे जो राम का जो घर था, जो मंदिर होना चाहिए था, वहाँ कुछ और चीज़ बन गया था, उसे सुधार किया गया। लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, कई लोग उसमें जान गंवा बैठे, बहुत अत्याचार भी हुए, लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी और आज वहाँ पर अयोध्या की जन्मभूमि पर, राम के जन्मभूमि पर अयोध्या नगरी में राम का प्रतिमा आज विराजमान हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गया। इसके लिए जो भी जिन्होंने भी शहादत दिया उन्हें सबको कोटि कोटि नमन, और जिन्होंने भी इसके लिए संघर्ष किया सभी को कोटि कोटि नमन। राम जो है कण कण में विराजमान है, लेकिन उनका जो घर था, उनकी जो जहां पर वो जन्म स्थान हुआ था, वहां पर राम का स्थान नहीं होना बहुत ही दुखद की बात था। लोगों का प्राण प्रतिष्ठा के साथ आंसू छलक आए, लोग रोने लगे कि क्या इतिहास में हुआ था, किस तरह का भयानक घटना घटा था और किस तरह से हम लोगों को मुगलों ने अत्याचार करके हम लोगों को एक तरह से मानसिक बंधन बनाकर छोड़ा था। और 500 साल के इतिहास ही नहीं, 1000 के इतिहास में ये दोबारा ऐसी घटना है जिसमें लोग आनंदित हैं। एक तुलसी दास ने रामचरित मानस की स्थापना करके और बाबर के समय और अकबर के समय राम को स्थापित किया था रामचरित मानस के रचना करके, और दूसरी बार अभी राम जन्मभूमि में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करके दोबारा वो हर्षोल्लास मनाया गया और लोगों में एक खुशी का माहौल हो गया। यह जो है लोगों को जोड़ने का काम करेगी, लोगों में जो दूरियां बढ़ गई है जाति के नाम पर, लेकिन हमें देखना होगा कि मूल हमारी एक है, संस्कृति एक है, हमारे इष्ट देव आराध्य सब एक हैं। हम लोग में मतभिन्नता हो सकती है लेकिन आपस में मिलकर रहें और इस देश को अक्षुण बनाने के लिए सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो इसको दूसरे को स्वीकार कर सकता है, बाकी कोई धर्म स्वीकार नहीं करता है। राम धैर्य का दूसरा नाम राम भी है, जब युद्ध भी हुआ रावण के साथ राम जी ने धैर्य का, कभी वो बहुत गुस्साए नहीं, बहुत धैर्य के साथ उन्होंने काम लिया। 14 वर्ष उस समय वनवास गए थे और इसमें 500 वर्ष से अधिक का वनवास, और अब जाके उनको अपना एक भवन एक मंदिर मिला। तो सनातन के धर्मावलंबियों ने भी बहुत धैर्य का परिचय दिया, किसी का जान नहीं मारा, जान अपना गवा दिया लेकिन जान नहीं मारा, जिस तरह से राम ने धैर्य का परिचय दिया। और जैसे कि आप समुद्र जो पार कर रहे थे उस समय भी इन्होंने विनती करते रहा, और जब उन्होंने नहीं, वो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तब उन्होंने अपना तर्कस उठाया। ठीक उसी प्रकार जब एक बंद पड़ी मस्जिद को लोग भी नहीं दे रहे थे, सभी लोग ऐसे नहीं हैं लेकिन कुछ जो हैं जो नेतागिरी करते हैं वो इसके अवरोध खड़े हुए थे, तो आखिरकार हिंदुओं की आस्था ने विजय पाई और धैर्य का परिचय हुआ, आज राम मंदिर का निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई। क्या मानते हैं कि एक नए युग की शुरुआत हो गई अब आज से 22 जनवरी 2024 की ये तारीख, केवल तारीख नहीं है, अब हर लोगों के दिल और जहन में बस जाएगा और एक नए युग की शुरुआत है? जी, मैं मानता हूं कि तुलसीदास ने रामचरित का मानस का जो स्थापना किया उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी घटना है इतिहास की सनातन धर्मवालियों के लिए, और ये तारीख बन चुकी है। और हम हिंदुओं से भी, सनातन धर्मावलंबियों से भी अनुरोध करेंगे। मैं प्रभु श्री राम का अभिनय कर रहा था अभी, हम लोग एक नाटक बना, नाटक के रूप में। कौन सा प्रसंग था जिसको आप लोग दिखला रहे हैं? एक्चुअली जब राम भगवान वनवास में होते हैं तो उसी क्रम में सबरी के यहाँ पे जाते हैं वो, तो वहाँ पे सबरी से मिलते हैं और उनका जूठा बैर, सबरी काफ़ी वर्षों से राम का इंतजार कर रहे थे, वो प्रभु मेरे राम मेरे कुटिया में आएंगे, तो आज उसी कुटिया में राम पहुँचे थे और सबरी का जूठा बैर खाएँ